मंदारमणि में समुद्र तट के पास बने होटलों को तोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए होटलों को तोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिंह ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक 30 दिसंबर तक लागू रहेगी। अदालत ने मामले के सभी पक्षों को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मंदारमणि में समुद्र किनारे अवैध तरीके से बने होटलों को तोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने होटलों पर बुलडोजर नहीं चलाने का आदेश जारी किया है। इसी बीच मंदारमणि वेलफेयर होटल एसोसिएशन ने सरकार से गुजारिश की है कि वह यह बता दे कि यहाँ कितने होटल वैध और अवैध हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवराज दास ने कहा कि राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ कितने होटल वैध और अवैध हैं, इसकी आधिकारिक रूपरेखा तैयार की जाए। हम होटल व्यवसाय भी यही चाहते हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि भविष्य में मंदारमणि में होटल या रेस्टोरेंट खोले जा सके। मालूम रहे कि वर्तमान में यहां 222 होटल हैं, निर्माणाधीन लगभग 33 होटल हैं। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगले शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने अवैध तरीके से बने होटलों को तोड़ने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद ही जिला प्रशासन ने मंदारमणि में 140 होटलों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस मिलने के बाद होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। हालांकि राज्य सरकार के फैसले के बाद होटल व्यवसायियों ने राहत की सांस ली। मंदारमणि में समुद्र तट के पास बने होटलों को तोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए होटलों को तोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिंह ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक 30 दिसंबर तक लागू रहेगी। अदालत ने मामले के सभी पक्षों को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मंदारमणि में समुद्र किनारे अवैध तरीके से बने होटलों को तोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने होटलों पर बुलडोजर नहीं चलाने का आदेश जारी किया है। इसी बीच मंदारमणि वेलफेयर होटल एसोसिएशन ने सरकार से गुजारिश की है कि वह यह बता दे कि यहाँ कितने होटल वैध और अवैध हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवराज दास ने कहा कि राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ कितने होटल वैध और अवैध हैं, इसकी आधिकारिक रूपरेखा तैयार की जाए। हम होटल व्यवसाय भी यही चाहते हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि भविष्य में मंदारमणि में होटल या रेस्टोरेंट खोले जा सके। मालूम रहे कि वर्तमान में यहां 222 होटल हैं, निर्माणाधीन लगभग 33 होटल हैं। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगले शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने अवैध तरीके से बने होटलों को तोड़ने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद ही जिला प्रशासन ने मंदारमणि में 140 होटलों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस मिलने के बाद होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। हालांकि राज्य सरकार के फैसले के बाद होटल व्यवसायियों ने राहत की सांस ली।